बीजेपी से भगाए गए महाराज सिंधिया, पोस्टर से बीजेपी ने सिंधिया को दिखाया बाहर का रास्ता, सिंधिया समर्थकों ने मचाया तांडव। बता दें बीजेपी के पोस्टरों से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसे लेकर सिंधिया समर्थकों ने तहलका मचा दिया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे वफादार लोगों में शुमार पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया का फोटो नदारद रहने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि महाराज का फोटो न देखे तो हमारा तो खून सूख जाता है। दरअसल अपनी साफ गोई और बेबाक बातचीत के लिए मीडिया में जबरदस्त टीआरपी बटोरने वाली कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी इमरती देवी पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुँची थी, लेकिन यह क्या, वहाँ पर उनके प्रिय महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोस्टरों से फोटो नदारद थी, जिस पर इमरती देवी ने कहा कि इस मुद्दे पर मैं पार्टी नेताओं से बात करूंगी, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर में चाहिए ही चाहिए, मुझे उनकी तस्वीर से ऊर्जा मिलती है मगर दुर्भाग्य से उनकी तस्वीर नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर पृथ्वीपुर में पोस्टर से तब गायब हुई जब उनके करीबी मंत्री प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर वहाँ प्रचार कर रहे थे। वही कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी इमरती देवी के इस बयान पर तंज कसते हुए लिखा, उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में बीजेपी की प्रचार सामग्री से महाराज की तस्वीर नदारद देखकर इमरती देवी कह रही हैं कि महाराज का फोटो नहीं दिखता है तो उनका खून सूख जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची में 10 नंबरी महाराज तो पूरे चुनाव से ही नदारद है। नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए लिखा कि खून में गद्दारी हो तो खून रोज सूखेगा। वहीं द्वारिका नाम के ट्विटर यूजर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, इमरती देवी जी, बिके हुए लोगों को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, यह तो पहले समझना चाहिए था, पैसे से बिके हुए लोगों के साथ यही किया जाए। ज्ञात हो कि यह पहली बार नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर बीजेपी के पोस्टर से गायब हुई है, इसके पहले भी कई बार बीजेपी ने सिंधिया को बीजेपी के पोस्टर से बाहर किया है। फिलहाल आप सभी की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं।